Good morning, students. How are you all? And how did you celebrate Christmas? Did you decorate your Christmas tree? Yes. Good. बच्चों, अब तो न्यू ईयर भी आने वाला है. आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन सोचा? आपने प्लान किया? और कौन सी अच्छी अच्छी आदतें आप इम्प्लीमेंट करोगे अपनी डेली लाइफ में? You all know, key to success is to focus on goals, not obstacles. Means, success के लिए हमें goals पर ध्यान देना है, रुकावटों पे नहीं. Let's continue chapter 11, metric measures. In this video, we will discuss measuring capacity. Capacity or volume is the term used to find the quantity of any liquid. Students, we have discussed about units of length and units of weight in previous videos. Now, units of capacity. What is the basic unit of capacity? Liter. Basic unit is liter. Short form of liter is L. Biggest unit of capacity is kiloliter. Short form is KL. Smallest unit of capacity is milliliter. Short form is ML. एक बार रिवाइज करें यूनिट्स. किलोलीटर, हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर का शॉर्ट फॉर्म HL. डेकालीटर DAL. लीटर, डेसीलीटर DL, सेंटीलीटर CL, मिलीलीटर ML, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर. अब आप सबको पता चल गया था 10 मिलीलीटर्स विल मेक 1 सेंटीलीटर. स्मॉलर यूनिट से शुरू करेंगे तो 10 मिलीलीटर विल मेक 1 सेंटीलीटर, 10 सेंटीलीटर्स विल मेक 1 डेसीलीटर, 10 डेसीलीटर्स विल मेक 1 लीटर, 10 लीटर्स विल मेक 1 डेकालीटर, 10 डेकालीटर्स विल मेक 1 हेक्टोलीटर, 10 हेक्टोलीटर्स विल मेक 1 किलोलीटर. तो 2 यूनिट्स का बीच का डिफरेंस कितना है? 10. हम कैसे कन्वर्जन करते हैं बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट? वी विल मल्टीप्लाई. जितने स्टेप नीचे उतरेंगे उतनी बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसा ही स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? वी विल डिवाइड. जितने स्टेप ऊपर चढ़ेंगे उतनी बार हम डिवाइड करना है. इज इट क्लियर? नाउ पेज नंबर 123, एक्सरसाइज 11.4. क्वेश्चन 1. कन्वर्ट द फॉलोइंग. पार्ट ए. 9 लीटर इक्वल टू डैश मिलीलीटर्स. 9 लीटर्स में हाउ मेनी मिलीलीटर्स है? लीटर इज अ बिगर यूनिट एंड मिलीलीटर इज अ स्मॉलर यूनिट. यहां पे यूनिट्स देखो आप, लीटर टू मिलीलीटर. लीटर से हम नीचे को स्टेप्स उतर रहे हैं. लीटर टू डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर. 10 10 10, 3 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई करो तो कितनी मिलीलीटर्स आ जाएगी? 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स. 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स है. सो यहाँ पर रिक्वायर्ड कितना है? 9 लीटर्स में मिलीलीटर्स चाहिए. सो 9 लीटर इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 9000 मिलीलीटर्स. 9 लीटर इक्वल टू 9000 मिलीलीटर्स. नाउ पार्ट बी. 400 मिलीलीटर्स इक्वल टू
डैश लीटर्स, 400 मिलीलीटर्स, कितने लीटर्स बनेंगे? मिलीलीटर इज अ स्मॉलर यूनिट एंड लीटर इज अ बिगर यूनिट, स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट हम क्या करेंगे, डिवाइड मिलीलीटर टू लीटर, मिलीलीटर टू सेंटीलीटर, सेंटीलीटर टू डेसीलीटर, डेसीलीटर टू लीटर, 3 × 10 = 1000 हो गया, तो 1000 से हम डिवाइड करेंगे, 1 मिलीलीटर चाहिए तो आप ये भी लिख सकते हो, 1 मिलीलीटर 1/1000 लीटर्स, 400 मिलीलीटर 400/1000, आपको डेसिमल लगाना आता है ना, 1, 2, 3 zeros, तो 3 decimal places चाहिए हमें, 1, 2, 3, 4 से पहले हम डेसिमल लगाएंगे, हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, लीटर्स में, सो एल लिखोगे आप यहां पे, इसे 0.4 लीटर भी कह सकते हैं हम, इज इट क्लियर? नाउ पार्ट ई, बेटा बी के बाद सी और डी सेम क्वेश्चन है, जैसा बी किया हमने वैसा ही सी और डी भी करना ही है, वो आप खुद ट्राई करोगे। पार्ट ई, 48 किलोलीटर्स इक्वल टू डैश लीटर्स, किलोलीटर्स को लीटर्स में कन्वर्ट करना है, किलोलीटर इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटी, हम उसे लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, लुक एट द यूनिट्स, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर एंड लीटर, किलोलीटर टू लीटर, हमने 3 steps नीचे उतर आए, तो 3 × 10 मल्टीप्लाई करो तो 1000, इट मींस 1 किलोलीटर इक्वल टू 1000 लीटर्स, 48 किलोलीटर्स को हम लीटर्स में कन्वर्ट करना है, सो 48 किलोलीटर इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 1000, मल्टीप्लाई करो, 3 zeros, फर्स्ट वी पुट 3 zeros, 1 × 8 = 8, 1 × 4 = 4, 48,000 liters. Answer is 48,000 liters. Now part G, 25 liter equal to dash kiloliters. अभी हमने previous question में kiloliter को liters में convert किया. 1 kiloliter equal to how many liters? 1000 लीटर्स है। अब हम क्या करेंगे, 25 लीटर को किलोलीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो किलोलीटर टू लीटर यूनिट्स कितना है, 1000, बट लीटर टू किलोलीटर 1000 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि लीटर से किलोलीटर बिगर यूनिट है, 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 किलोलीटर्स, 25 लीटर इक्वल टू 25/1000, डेसिमल लगाना तो आता है सबको, डेसिमल लगाओ, टू डिजिट्स है यहाँ पे, 3 zeros से, सो वी रिक्वायर 3 decimal places, 25 से पहले 0 लगाएंगे तो 3 decimal places हो गया, वी पुट डेसिमल 0.025 kiloliters, हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, किलोलीटर्स में, तो वो यूनिट लिखना है हमें, ठीक है? नाउ पेज नंबर 127, एक्सरसाइज 11.5, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ, पार्ट ए, मीटर्स, सेंटीमीटर्स, 8 मीटर 12 सेंटीमीटर प्लस 7 मीटर 46 सेंटीमीटर, पहले हम सेंटीमीटर वाला पार्ट ऐड करेंगे देन मीटर्स, 2 + 6 = 8, 1 + 4 = 5,
Next, meters, 8 meter plus 7 meters, 15 meters. So, answer is 15 meter, 58 centimeters. Next, part B, kilograms and grams. 5 kilogram, 460 grams plus 3 kilogram, 572 grams. इन दोनों को ऐड करेंगे तो पहले 0 प्लस 2, 2, 6 प्लस 7, गुड, 13, 3 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी, 1 प्लस 4, 5, 5 प्लस 5, 10, 0 और 1 किलोग्राम्स में कैरी करेंगे, 1 प्लस 5, 6, 6 प्लस 3, 9, नाउ आंसर इज 9 किलोग्राम्स, 32 ग्राम्स, ठीक है? नाउ क्वेश्चन 2, फाइंड द डिफरेंस. बेटा आप सबको सब्ट्रैक्ट करना आता है ना, जैसा हम सब्ट्रैक्ट करते थे सम्स को, वैसा ही यहाँ पे भी करना ही है. फर्स्ट क्वेश्चन, किलोमीटर मीटर, 8 किलोमीटर 345 सेंटीमीटर्स में से 6 किलोमीटर 125 मीटर को सब्ट्रैक्ट करना है. फर्स्ट 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 1 2. नाउ 8 किलोमीटर्स माइनस 6 किलोमीटर्स क्या हुआ, 2 किलोमीटर्स. आंसर इज 2 किलोमीटर्स 220 मीटर्स. नेक्स्ट पार्ट बी, 9 मीटर 78 सेंटीमीटर्स माइनस 5 मीटर 45 सेंटीमीटर्स. 8 माइनस 5 3, 7 माइनस 4 3, 9 माइनस 5 4. आंसर इज 4 मीटर 33 सेंटीमीटर्स. बेटा पार्ट ए और बी हमने क्वेश्चन 1-2 में किया, पार्ट सी और डी आप खुद करोगे. नाउ क्वेश्चन 3, फाइंड द प्रोडक्ट मीटर सेंटीमीटर. 8 मीटर 15 सेंटीमीटर्स को 9 से मल्टीप्लाई करना है. आप टेबल्स प्रैक्टिस कर रहे हो ना, 9 का टेबल आता है सबको, वेरी गुड. 9 फाइव जार कितना, 45. 4 कैरी, 9 वन जार 9 प्लस 4, गुड, 13. 3 वन कैरी, 9 एट जार 72 प्लस 1 73. सो आंसर इज 73 मीटर 35 सेंटीमीटर्स. नाउ पार्ट बी, 2 ग्राम्स 546 ग्राम्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है. 4 सिक्स आर 24, 4 2 इज कैरी, 4 फोर आर 16 प्लस 2 18, 8 1, 4 फाइव आर 20 प्लस 1 21, 2 कैरी, 4 टू आर 8 प्लस 2 10. सो आंसर इज 10 ग्राम्स 184 मिलीग्राम्स. बेटा आंसर लिखते वक्त जैसा 10 184 इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, ऐसा ही फर्स्ट क्वेश्चन में 73 35 इनके बीच में भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है ना. आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, ऐसा ही आंसर लिखो, ठीक है? Now question 4, find the quotient. Part A, 8 meter 94 centimeter divided by 2. Beta yahan pe meters bhi centimeters bhi hai. First we have to convert meters into centimeters. Smaller unit mein convert karenge to division easy ho jayega. 8 meters, aapko pata hai na 1 meter mein how many centimeters? 100, 8 multiplying 100 plus
ये तो सेंटीमीटर से 94, ये तो ऐड करेंगे 8 × 100 कितना हुआ 800 + 94 centimeters 800 + 94 कितना हुआ 894 centimeters अब हम 894 सेंटीमीटर्स को 2 से डिवाइड करेंगे ठीक है 894 सेंटीमीटर्स को अब 2 से डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय 2 आप सबको डिवीजन आता है ना 2 × 4 = 8 1 नीचे लेकर आए 9 को नीचे लेकर आए 9 2 × 4 = 8 1 4 नीचे लेकर आए तो 14 बन गया 2 × 7 = 14 सो क्वेश्चन इज (447 cm) इसे अगर हम मीटर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 4 m 47 cm कोई भी आंसर हम लिख सकते हैं 447 cm भी लिख सकते हैं नहीं तो 4 m 47 cm भी लिख सकते हैं नाउ पार्ट सी 17 km (156 m) डिवाइडेड बाय 4 किलोमीटर मीटर अब हम स्मॉलर यूनिट में चेंज करेंगे तो किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है 1 km = how many meters गुड 1000 meters 17 km (156 m) = 70 × 1000 meters + 156 m 70 × 1000 17000 meters + 156 m इन दोनों को ऐड करो तो 17,156 meters आ गया अब हम इस मीटर्स को 4 से डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करो आपको 4,289 meters आंसर आ गया क्वेश्चन इज 4,289 meters इसे हम किलोमीटर में लिखेंगे तो 4 km (289 m) आ गया ठीक है बेटा पहले हम बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे फिर डिवाइड करेंगे नाउ पार्ट ई 421 L (484 mL) को 7 से डिवाइड करना है लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करें पहले 421 1 लीटर पार्ट ई 421 L (484 mL) डिवाइडेड बाय 7 लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करेंगे पहले 1 L = how many milliliters 1000 milliliters 421 × 1000 milliliters + 484 milliliters इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 421,000 milliliters आ गया +484 milliliters सो अब सारे मिलीलीटर्स कितना हो गया 421,484 milliliters हो गया अब हम इस मिलीलीटर्स को 7 से डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड कर लिया
तो हमें क्या आ गया 60,212 मिलीलीटर्स हो गया। अब इसे हम लीटर मिलीलीटर में कैसे लिखेंगे, 60 लीटर 212 मिलीलीटर्स हो गया। बेटा हम सबसे पहले क्या किया, लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट किया, स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट किया, फिर हमें डिवाइड किया। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी विल डू 11.6 एक्सरसाइज इन अनदर वीडियो। टेक केयर, थैंक यू।